हेलो दोस्तों, वेलकम माई न्यू ब्लॉग। दोस्तों कैसे हो आप? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं सॉरी कहना चाहता हूँ आप सबको, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और चैनल पर भी कुछ अपडेट नहीं है बहुत दिनों से, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और एग्ज़ाम के बाद, जैसे ये एग्ज़ाम कम पूरे हुए तो उसके बाद में ही मेरा जो है उसके बाद में ही मेरे घर पे काम चालू हो गया। दोस्तों काम शुरू होने के बाद मैं बहुत बिजी रहा, तो दोस्तों इसी वजह से मैं कोई भी ब्लॉग नहीं डाल पाया हूँ। ठीक है दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है, आज का ब्लॉग ये है दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ आज के ब्लॉग में। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। दोस्तों आप मेरे पीछे जो इको गाड़ी देख रहे हो, तो दोस्तों इसमें हम लगाने वाले हमने लगाई है एक जो फ्लोरिंग होती है, मैट, जो वाटरप्रूफ मैट होती है वो लगाई है। आगे पीछे मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से ये लगाई है, और इसको जो लगाया है वो मैंने ही अपने हाथों से लगाया है, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये मैट है, और मैंने इसको कितनी फिनिशिंग के साथ लगाया है ये देखिए। देखिए दोस्तों कितनी अच्छे तरीके से इसको लगाया गया है, ना ही कोई सलवट है। और दोस्तों इस गाड़ी में जो है, क्योंकि ये गाड़ी ज़्यादातर भाड़े पे चलती है ना, तो इसमें धूल धानी धूल वगैरह, और जैसे कि बरसात का समय है तो इस टाइम पे कीचड़ वीचड़ आता है, पैरों पर लग के गाड़ी के अंदर आता है। जो गाड़ी के अंदर कंपनी द्वारा कंबल दिया होता है कपड़ा, वो बहुत जस्टी हो जाता है। तो देख सकते हो दोस्तों ये ऐसा कंबल आता है सारी गाड़ी में आगे से पीछे तक, और मैंने ये इसके ऊपर से मैट बिछा दिए, ये यहाँ से लेकर और यहाँ से लेके यहाँ तक, इस सीट के नीचे तक एक पोर्शन है, मतलब कटा हुआ नहीं है कहीं से भी। ठीक है, और पूरा का पूरा एक पीस है, फिर आगे एक पीस है पूरा। ठीक है, आप फिनिशिंग देख सकते हो। और सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है कि जैसे ही गंदी होए तो ब्रश मारो या गीला कपड़ा मारो, एकदम साफ़ सुथरी, फिर नई के जैसी। इंटीरियर में कोई इतना वो नहीं होता, और उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी जब मेरे को इसमें कपड़ा मारना पड़ता था, ब्रश मारना पड़ता था, वैक्यूम से साफ कराना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, बंद हो गई है, और ऐसे ही काम देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और वीडियो में कमेंट जरूर करें कि कैसी लगी है वीडियो, और काम कैसा पसंद आया है, पसंद आया नहीं आया वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये सब मैंने ही अपने हाथ से की है, टच टू टच, मतलब एकदम बढ़िया करके है, कहीं से भी ऐसा नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसमें ऐसा है ना, बड़े बड़े पे जाती है, उल्टी 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 वगैरह कर देते हैं जो पैसेंजर होते हैं, तो उसके हिसाब से बहुत बढ़िया चीज़ है ये। काम नई लाने के बाद सबसे पहले यही काम होना चाहिए, और काम बाद में होना चाहिए, इसकी बाहर मॉडिफिकेशन वगैरह ये सब चीज़ ये बाद का काम है। सबसे पहले इसका फ्लोरिंग का काम है, फ्लोरिंग कर देनी चाहिए। ठीक है, और दोस्तों ये रही अपनी गाड़ी, गाड़ी कैसी है बताना ज़रा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों ये इसका खर्चा जो है, जो मैं आपको बताऊं, इसका खर्चा जो है, जो मैटिंग का खर्चा है, ये मेरे को मिली थी 160 रुपये मीटर, और 4 मीटर, 4 या 4.5 मीटर के लगभग मैं लेकर आया। ये मेरे को पड़ी है 600 से 650 के बीच,
बस इतने में ही काम हो गया, पर हाँ टाइम बहुत लगा दोस्तों इसमें। एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और बहुत ही अच्छा काम हुआ है तो टाइम तो लगेगा ही। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।